गाइस आज हमारे फ्री फायर के अंदर ओपी 44 का अपडेट आया और अपडेट करने के बाद जैसी गाइस मैंने गेम को ओपन करा मैंने देखा कि भाई जो हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको यहां पर 100 से इंक्रीज करके 200 पे कर दिया गया है। एंड उसके बाद जब गाइस मैंने गेम खेला तो मैंने देखा कि मेरी सेंसिटिविटी सेटिंग यहां पर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है, मेरा फ्री फायर के अंदर हेडशॉट ही नहीं लग रहा और मेरा मूवमेंट स्पीड भी मुझसे कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। तो गाइस मैंने बहुत प्रैक्टिस करी, फाइनली गाइस मुझे एक ऐसी सेंसिटिविटी सेटिंग मिल गई है जो कि आपके फोन के अंदर भी एंड गाइस मेरे फोन के अंदर और गाइस सभी के फोन के अंदर वे सेंसिटिविटी सेटिंग एकदम परफेक्ट वर्क करने वाली है। एंड अगर आप लोग उस सेंसिटिविटी सेटिंग को यूज करते हो तो गाइस आप लोग सभी गन से कितने भी प्रो प्लेयर को बहुत इजीली केवल एक गोली में गाइस वन टैप हेडशॉट मार के नॉक कर सकते हो। एंड गाइस मैं आप लोग को एक बेस्ट फायर आइटम का साइज भी बताने वाला हूं। तो गाइस आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग फ्री फायर के अंदर हेडशॉट मारना चाहते हो तो गाइस आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हो पहली बार आए हो तो सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। हां गाइस जाके आप सभी लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, इंस्टाग्राम का नेम है गाइस यूनिक एफेक्टिव्स। चलिए फाइनली आज के इस धमाकेदार वीडियो को तुरंत ही स्टार्ट करते हैं। ओके हम लोग को फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट सेंसिटिविटी सेटिंग कुछ ऐसी देखने को मिलती है। मैं आप लोग के सामने एक बार फिर से इसको रीसेट कर देता हूं। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कि यहां पर फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट सेंसिटिविटी हम लोग कुछ ऐसी प्रोवाइड कराई गई है। इसमें सबसे पहले हम नीचे से बात करते हैं फ्री लुक के बारे में, जो कि हम लोग को फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराया गया है। अगर गाइस आप लोग अपने फ्री लुक को 65 पे यूज करते हो तो आप लोग का जो ये फ्री लुक का बटन है वह कभी कभी गाइस अच्छे तरीके से रोटेट नहीं होता है एंड इसकी वजह से गाइस आप लोग अच्छे तरीके से लेफ्ट राइट आगे पीछे रोटेट करके देख नहीं पाते हो। एंड सोच रहे हो आप लोग का ये जो फ्री लुक का बटन अच्छे तरीके से रोटेट हो, तो सिंपली आप लोग क्या करना कि सेंसिटिविटी सेटिंग में जाके अपने फ्री लुक की सेंसिटिविटी सेटिंग को इंक्रीज करके आप लोग इसको 189 पे सेट कर देना। जैसे गाइस आप लोग इसको 189 पे करोगे उसके बाद आप लोग का ये फ्री लुक का बटन बहुत इजीली रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड आप लोग बहुत आराम से गाइस आगे पीछे लेफ्ट राइट इसको रोटेट करके देख पाओगे। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर स्नाइपर स्कोप और ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 50 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर गाइस आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप को 50 पे यूज करते हो तो गाइस आप लोग का यहाँ पर एक भी शॉट एनिमी को कनेक्ट नहीं होता है, आप लोग का सारा बुलेट एनिमी के आजू बाजू से निकल जाता है। एंड अगर आप लोग को स्नाइपर से एनिमी को डैमेज देना होता तो ऐसे आप लोग स्कोप ओपन करके तब एनिमी को हेड या फिर गाइस बॉडी शॉट मारते हो जिससे बहुत टाइम लगता है एंड एनिमी तब तक गाइस आप लोग को मार के इजिली चला जाता है। सो सिंपली आप लोग क्या करना कि जो आप लोग की स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको यहां पर इंक्रीज करके आप लोग क्या करना कि इसको गाइस 177 पे सेट कर देना। जैसे आप लोग इसको 170 पे करोगे उसके बाद गाइस आप लोग का यहां पर स्नाइपर से हर एक शॉट कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा यहां पर गाइस हर एक शॉट एनिमी को कनेक्ट हो रहा है बहुत इजीली। तो गाइस जरूर से आप लोग अपने स्नाइपर स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग को 177 पे सेट कर लेना। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह है गाइस यहाँ पर 4x स्कोप और ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 65 प्रोवाइड कराया जाता है। अगर गाइस आप लोग अपने 4x स्कोप को 65 पे यूज करते हो एंड स्कोप ओपन करते हो तो गाइस डायरेक्ट आप लोग का एम एनिमी के बॉडी पे चला जाता है एंड आप लोग का बहुत ज्यादा बॉडी शॉट लगता है, आप लोग कितना भी ड्रैग कर लो आप लोग का एक भी बुलेट हेड शॉट नहीं लगता। तो सिंपली आप लोग क्या करना कि जो आप लोग की 4x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको गाइस यहाँ पर इंक्रीज करके आप लोग इसको गाइस इंक्रीज करके 198 पे सेट कर देना। उसका जैसे आप लोग स्कोप ओपन करोगे तो गाइस आप लोग का डायरेक्ट एम एनिमी के हेड पे चला जाएगा एंड गाइस आप लोग का यहां पर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो मेरा यहां पर कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह गाइस यहाँ पर 2x स्कोप और ये फ्री फायर तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 75 प्रोवाइड कराई गई है। अगर गाइस आप लोग अपने 2x स्कोप को 75 पे यूज करते हो तो इसमें भी गाइस स्कोप ओपन करते आप लोग का बहुत ज्यादा बॉडी शॉट लगता है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि अपने 2x स्कोप की सेंसिटिविटी सेटिंग को इंक्रीज करके आप लोग इसको 200 पे सेट कर देना एंड गाइस जैसे आप लोग स्कोप ओपन करोगे डायरेक्ट एम आप लोग का एनिमी के हेड पे चला जाएगा एंड गाइस आप लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी यहां पर देख सकते हो कि मेरा कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वह गाइस यहाँ पर रेड डॉट और ये फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट हम लोग को 85 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर गाइस आप लोग अपने रेड डॉट को 85 पे यूज करते हो तो इसमें आप लोग का पहले तो बहुत ज्यादा बॉडी शॉट लगता है एंड जो आप लोग का सारा बुलेट है वह गाइस एनिमी के आजू बाजू से निकल के बहुत ज्यादा रिकॉयल करता है, जो कि आप लोग मेरा देखते हो मेरा यहाँ पर कितना ज्यादा बुलेट रिकॉयल कर रहा है। तो गाइस इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपली आप लोग क्या करना कि जो आप लोग की रेड डॉट की सेंसिटिविटी सेटिंग है उसको गाइस आप लोग इंक्रीज करके इसको 191 पे सेट कर देना। उसके जैसे गाइस आप लोग यहां पर गेम खेलोगे तो गाइस आप लोग का यहां पर एक भी बुलेट रिकॉइल नहीं करेगा एंड गाइस आप लोग का सारा बुलेट हेडशॉट लगेगा, जो कि आप लोग मेरा भी देख सकते हो कि मेरा यहां पर सारा बुलेट हेडशॉट लग रहा है एंड एक भी बुलेट रिकॉइल नहीं कर रहा है।
गाइस यहाँ पर जो हमारी अगली सेंसिटिविटी सेटिंग है वे गाइस यहाँ पर जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग एंड ये फ्री फायर की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंसिटिविटी सेटिंग है जो कि हम लोग को फ्री फायर की तरफ से डिफॉल्ट 65 प्रोवाइड कराई जाती है। अगर गाइस आप लोग अपने जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को 65 पे यूज करते हो तो सबसे पहले गाइस आप लोग का जो फोन का डिस्प्ले है वे गाइस यहाँ पर बहुत हार्ड रोटेट होता है एंड उसकी वजह से गाइस आप लोग की मूवमेंट भी नहीं हो पाती। एंड गाइस बात करें यहाँ पर हेडशॉट की तो गाइस आप लोग का बहुत ज्यादा बॉडी शॉट लगता है जो कि आप लोग मेरा भी यहाँ पर देख सकते हो। एंड जब आप लोग ज्यादा ट्रैक करते हो आप लोग का एम हवा में चला जाता है जिसमें गाइस आप लोग का एक भी बुलेट नहीं लगता है। ठीक है तो सिंपली आप लोग क्या करना कि इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को इंक्रीज करके 165 पे सेट कर देना। एंड गाइस जैसे आप लोग इसको 165 पे सेट करते हो उसके बाद गाइस आप लोग का यहां पर बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा जो कि आप लोग मेरा देख सकते हो कि मेरा यहां पर कितना ज्यादा हेडशॉट लग रहा है। बात करें यहां पर डिस्प्ले क्वालिटी की तो आप लोग का डिस्प्ले एकदम स्मूथ हो जाएगा एंड गाइस इसकी वजह से आप लोग की मूवमेंट स्पीड बहुत इंप्रूव हो जाएगी। तो जरूर से आप लोग अपनी जनरल सेंसिटिविटी सेटिंग को भी इंक्रीज करके 165 पे सेट कर लेना। ये तो बात हो गई हमारी सेंसिटिविटी सेटिंग की। अब गाइस बात करते हैं यहाँ पर फायर बटन साइज के बारे में। तो गाइस आप लोग देखो मेरे फायर बटन का साइज गाइस यहाँ पर 44 है एंड गाइस इस पे आप लोग का बहुत ज्यादा हेडशॉट लगेगा। एंड गाइस अगर आप लोग का ये फायर बटन साइज वर्क नहीं करता तो सिंपली आप लोग क्या करना कि आप लोग जिस भी फोन के अंदर गेम खेलते हो वे किस कंपनी का फोन एंड कितने जीबी रैम का है अगर वे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे तो मैं आप लोग के लिए एक बेस्ट फायर बटन का साइज रिप्लाई कर दूंगा। तो जरूर से आप लोग अपने फोन का रैम एंड गाइस नेम कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। गाइस आई होप आप लोग को हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया अच्छा लगे तो प्लीज यार सभी लोग इस वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस करके और जरूर से गाइस आप लोग अपना फ्री फायर का लेवल एंड रैंक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको जाकर इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। इंस्टा का नेम है गाइस यार यूनिक एफएफटिप्स। तो बस यार आज के लिए इतना ही, मिलेंगे एक और नई धमाकेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए गाइस यार बाय बाय एंड गाइस राधे राधे।